अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू क्वेश्चन एक्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मालूम है, कोरोना वबा की वजह से साल 2020 में 7 महीनों के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहे हैं और अब तुलबा के पास सिर्फ और सिर्फ 5 मंथ्स हैं कि वो साल 2021 के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें। इसके लिए गवर्नमेंट ने और ख़ास तौर पे फेडरल बोर्ड ने FBISC ने रिड्यूस सिलेबस अनाउंस किया था। क्लास 9th और क्लास 10th के लिए उन्होंने रिड्यूस सिलेबस की डिटेल्स भी पब्लिश कर दी हैं। आपके स्कूल्स में भी वो रिसीव हो चुकी होंगी। आपके स्कूल्स में अगर आपको अभी तक वो डिटेल्स आपको प्रोवाइड नहीं की हैं आप फेडरल बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जाकर उन डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। आज जो ये वीडियो है, इसमें स्पेसिफिकली हम लोग केमिस्ट्री का जो रिड्यूस या स्मार्ट सिलेबस है उसको बहुत ही डिटेल में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या चीज़ इंक्लूडेड है, क्या चीज़ एक्सक्लूडेड है, कितना आसान है या कितना मुश्किल हो गया है और आपकी स्टडी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। लेट मी फर्स्ट शेयर माई स्क्रीन। आई वुड सजेस्ट यू गाइज के आप लोग भी अपनी बुक्स सामने ओपन रखें ताकि आप लोग उसको मार्क कर सकें। साथ साथ एक और बात मैं यहाँ पर करना चाहूँगा कि भाई मेरे से कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, इसी तरीके से आपके टीचर्स से या आपके अकेडमी के टीचर्स से भी मिस्टेक हो सकती है। हम आपको गाइड कर दें कि भाई ये चीज़ इंक्लूडेड है, हालाँकि वो इंक्लूडेड ना हो, और कॉन्फिडेंस से हम लोग कह दें और आप बस हम पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग खुद भी इस डॉक्यूमेंट को डिटेल स्टडी करें और ये माइंड में रखिएगा कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन और एम्बिग्विटी है। बोर्ड ने सिर्फ और सिर्फ ये डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, इसमें कुछ भी कोई तरीके से चीज़ें नहीं पड़ी हैं, और आप बोर्ड में फ़ोन करके किसी से पूछेंगे उस बेचारे को खुद भी नहीं पता होगा। इवन वो कमेटी या वो टीचर्स बोर्ड के मेंबर्स जो के टेबल पे बैठ के ये डिसाइड कर रहे थे, साथ में डिस्कशन कर रहे थे कि क्या चीज़ इंक्लूड करनी है, क्या एक्सक्लूड करनी है, उनको भी कुछ ना कुछ एम्बिग्विटी होगी। सो टू बी ऑन द सेफ साइड, आपको तमाम टॉपिक्स जो हैं कम से कम आपने वो रीड करने हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि भाई जब तक आप पिछले टॉपिक्स रीड नहीं करेंगे, अगर वो एक्सक्लूडेड है तो आपको अगले टॉपिक की समझ वैसे भी नहीं आएगी। सो जहाँ तक स्टडी का ताल्लुक है, जहाँ तक रीडिंग का ताल्लुक है, वो तो आपने करनी ही करनी है। जहाँ तक याद करने का ताल्लुक है या उसकी प्रिपरेशन करने का ताल्लुक है, सो उसके लिए आप सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने फिजिक्स और बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, 9th और 10th क्लास इंग्लिश की भी और इस्लामियात और उर्दू, इन सब की हमने अलग अलग ऐसे वीडियोज़ बनाई हैं। आप वो देख सकते हैं और अपनी नोटबुक्स के ऊपर उनको मार्क कर सकते हैं या करिकुलम बुक्स के ऊपर मार्क कर सकते हैं। और अगर आप ख़ुद इस टॉपिक को आप ढूंढना चाहते हैं तो उसका तरीका यह है कि जस्ट टाइप fbisc.edu.vk इन योर ब्राउज़र एंड यहाँ पर यू विल सी कि दे हैव अ टैब फॉर दे हैव अ लिंक फॉर रिड्यूस सिलेबस फॉर SSC एनुअल एग्जामिनेशन 2021। व्हेन यू विल क्लिक दिस, आपके पास एक अराउंड 42 डॉक्यूमेंट्स की फाइल अपलोड हो जाएगी, जिसमें जो फर्स्ट पेज है वो नोटिफिकेशन है। जब तक आपके पास ये नोटिफिकेशन आए तो बात चीज़ें रूमर्स होती हैं, तो आपने रूमर्स पे बिलीव नहीं करना। यहाँ पर मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूँ आपको, अगर आपके माइंड में है कि भाई कोरोना की सेकंड वेव या थर्ड वेव आएगी, स्कूल दोबारा से बंद हो जाएंगे, सो जो इस दफ़ा उन्होंने किया कि एग्ज़ाम नहीं करवाए, नेक्स्ट टाइम भी आपके एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपकी बार एग्ज़ाम्स लाजमी होंगे, इसीलिए उन्होंने रिड्यूस सिलेबस टू बी ऑफ द सेफ साइड कि अगर एग्ज़ाम्स दोबारा से रिड्यूस भी हो, वो स्कूल दोबारा से बंद भी हो जाएं, तो फिर भी वो एग्ज़ाम्स लेंगे ही लेंगे, ये मायने रखेंगे। अगर नहीं भी लेते सो जो बच्चे 9th से प्रमोट होकर 10th में आ गए हैं और जो 10th में नंबर लेने थे वही मल्टीप्लाई हो गए, आप लोगों ने आगे जाना था, सो फिर आप लोगों का किस बेसिस के ऊपर आप लोग ग्रेजुएट होकर आप कॉलेजेस में जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली अगर एग्ज़ाम ना हो आपका साइंस ज़ाया होगा, बट ऐसा नहीं है, इस दफ़ा वो लोग तैयारी भी करेंगे। लास्ट टाइम ये हुआ था कि मार्च में आपके पेपर्स स्टार्ट भी हो चुके थे, सो उन्होंने ऑलरेडी प्रिंटिंग की हुई थी, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन पीछे वर्क होता है वो सारा उन्होंने पहले से करके रखा हुआ था और वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं था कि वो लोग आपके दोबारा से एग्ज़ाम्स करवा सकते या डिफरेंट बैचेस में या सुबह की शिफ्ट में शाम की शिफ्ट में आके आपके एग्ज़ाम्स करवा सकते। इस दफ़ा वो लोग पूरी तैयारी से बैठेंगे, सो प्लीज़ काइंडली इस
इसको बहुत लाइटली ना लीजिएगा, बच्चों के माइंड में कहीं ना कहीं से शैतान आ जाता है और वो कह रहे होते हैं आपके माइंड में एक आवाज़ आ रही है क्योंकि, और आप दुआएं कर रही होंगी कि भाई सेकेंड वेव थर्ड वेव आएगी और हम लोगों के एग्जाम शायद ना हो, सो इसलिए इतनी तैयारी करने की, इतनी यू नो डबल तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बट रियलिटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। सो बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी, ऊँट ऊँट एक ना एक दिन तो पहाड़ के नीचे आएगा ही आएगा, वही वाला यहाँ पर होगा अपने साथ गाइडली जो है, बिकॉज यही नंबर्स जो है मल्टीप्लाई होंगे। सो और इस दफ़ा अगर आप 2021 में आप लोग सब्जी ले आए, क्योंकि आपको पिछले सिलेबस भी दोबारा आपको 2022 में करना पड़ेगा, 9th के भी एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे, सो ये चीज़ें माइंड में रखिएगा, ठीक है। 10th के खास तौर पर बच्चे हैं, सो ये टॉपिक ये फाइल आपके पास ओपन होगी, यहाँ पर 9th और 10th की ये कंबाइंड फाइल है, आप देखें किस पेज के ऊपर आपने जाना है। सो करेंटली वी आर स्टडिंग केमिस्ट्री, मुझे पता है वो ऑलरेडी पेज नंबर 35 पर है, सो पेज 35 में यहाँ पर, सॉरी, सो पेज 35 में यहाँ पर एंटर करता हूँ, सो मेरे पास केमिस्ट्री ओपन हो गया। साथ साथ में इसकी PDF फॉर्म में बुक्स भी ओपन करके आपके साथ एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। यू नो यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी ऐसी वीडियोज़ अवेलेबल हैं जिनके अंदर यू नो 10 मिनट की या 2-3 मिनट की वीडियो ही मैंने देखा, उसमें लिखा हुआ था कि मैं नाम नहीं चला लेता, सो बट यू नो उसमें कुछ भी नहीं था, वो जस्ट वीडियो तो मैंने इसलिए बनाई थी कि आप लोगों के एड्स रन करके पैसे कमाए जा सके। आई डोंट थिंक उन्होंने खुद भी ये फाइल्स देखी थी या फिर आपको जो है जी यू नो अपने वेबसाइट के ऊपर लेके जा सकते हैं, वेबसाइट पर क्लिक्स हों, वेबसाइट के ऊपर एड्स चलते हैं, तो ये सारे फ़ायदा हो जाता है। हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी वीडियोस पर ऐड ना चलाएं, और या इंशाल्लाह जो ये वीडियो होगी ये थोड़ी लंबी होगी बट इसमें डिटेल हर चीज़ हम डिस्कस करके जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हुई, नीचे हमारा व्हाट्सएप पे नंबर गिवन है, आप लोग उसके थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जब भी कभी भी आप लोगों को कोई बात करनी हो, कोई इशू हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, पर्सनल इशू हो, गाइडेंस चाहिए हो किसी ना किसी किस्म की, आप फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप DMs कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी हमारे हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट जम्प टू फर्स्ट चैप्टर। अच्छा जी, सो हमने जो फिजिक्स की वीडियो अपलोड की है उसमें आप देखेंगे कि जब ये फाइल हम ओपन करते हैं, सबसे पहले ऊपर लिखा होता है बड़ा बड़ा नोट, नोट ऑल साइड इंफॉर्मेशन, ऑल मिनी एक्सरसाइजेज, ऑल यू नो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, ऑल फॉर योर इंफॉर्मेशन या टिडबिट्स आर एक्सक्लूडेड, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। सो ये माइंड में रखिएगा, सो वो सारी चीज़ें अगर नहीं लिखा तो वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, ठीक है। जो चीज़ नहीं लिखी वो नहीं इंक्लूडेड होगी, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिजिक्स में मेरे ख्याल में ये हो रहा था कि जी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें उन्होंने बीच में डिलीट करवा दी थी, साइड इंफॉर्मेशन उन्होंने डिलीट कर दी थी, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर वो आपके लिए आसानी बना रहे हैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन वगैरह उड़ा उड़ा के, ठीक है। सो अभी हम पहले चैप्टर को देखेंगे, फिर हम एक्सरसाइज को देखेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएंगे। सो चैप्टर नंबर 9 इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th, इट्स कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। सो इट हैज़ द 9.1 सेक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, पूरे का पूरा टॉपिक आ रहा है। अब इसमें ये ना कहिएगा सिर्फ इसमें हेडिंग है तो पहले पहले वाला पैराग्राफ आ रहा है, बाकी चीज़ें नहीं आ रही, नहीं, पूरे का पूरा टॉपिक आ रहा है। देन वी हैव लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इट्स डेरिवेशन, ऑल ऑफ दिस टॉपिक इज इंक्लूडेड। देन वी हैव इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एंड इट्स यूनिट्स, let me enable my highlighter, and then we have importance of equilibrium constant. Now I will open this chapter in the form of PDF. So this is chemical equilibrium chapter, जो इसका आप लोगों को मे भी कुछ चीज़ें नज़र ना आ रही हों या इतनी क्लियर ना हो, मेरे साथ में हाईलाइट, मैं उनको हाईलाइट्स करता जाऊँगा और साथ में बोलते भी जाऊँगा, सो होपफुली आप उनको समझ सकेंगे। सो केमिकल इक्विलिब्रियम chapter, its first section is called reversible and irreversible reaction. So all of this topic is included, which means ke ye sara included hai, you know, yes, ye full included hai, ye pure ka pura, ye niche bhi main tick laga raha hu, so ye sara included hai, sab reactions included hai, ye pure ka pura included hai, theek hai, ye usi topic mein ek hi topic abhi chal raha hai, topic number 1, ये सेक्शन नंबर 1, ये सारे का सारा इंक्लूडेड है, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड। उसने स्पेसिफिकली मैंशन नहीं किया कि भाई ये इंक्लूडेड है या नहीं है, बट ये इंक्लूडेड है, सो अगर उसने मैंशन नहीं किया, सो नाउ अब यहाँ पर बात आती है
उसने नहीं कहा कि भाई सेल्फ असेसमेंट जो है वो एक्सक्लूडेड है, अगर उसने नहीं कहा तो इसका मतलब है कि भाई अगर आपका कोई टीचर, अगर आपका कोई यू नो अकेडमी का टीचर ये कहता है कि भाई नहीं नहीं मैं आपको बता दिया ना ये इंक्लूडेड नहीं है, तो इस नहीं उनसे कहें प्रूफ दिखाया हमें। मैंने इसीलिए आपसे कहा जब भी रूमर्स पर कभी आपने बिलीव नहीं करना था उससे कहें आपको नोटिफिकेशन व्हाट्सएप करें, फेसबुक के ऊपर अपने पेज के ऊपर वो नोटिफिकेशन लगाए कि जी ये चीज़ मैं प्रूफ लगाए। उन्होंने यहाँ पर एक्सक्यूज मी यहाँ पर कहीं भी मेंशन किसी भी चैप्टर में ये मेंशन नहीं किया हुआ, सो इसलिए अगर आपको कोई कहता है तो वो बिल्कुल भी उसकी बात पे आपने बिलीव नहीं करना। लॉ ऑफ मास एक्शन पूरे का पूरा इंक्लूडेड है, ठीक है जी, ये सब इंक्लूडेड है, डेरिवेशन भी है इसकी इंक्लूडेड है बिकॉज उन्होंने मेंशन किया है एंड इट्स डेरिवेशन, ठीक है ये इंक्लूडेड है, ये पूरे का पूरा इंक्लूडेड है। अगर ये आपकी चीज़ें इंक्लूडेड ना होती तो आपको अगला समझ नहीं आता। अगेन ये आपने माइंड में रखना है कि ये इंक्लूडेड होगा, आपने या इनकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। टेस्ट योर सेल्फ इनको कहते हैं 9.2 है, कहीं पर भी आप देखेंगे उन्होंने बोर्ड ने आपको टेस्ट योर सेल्फ के बारे में बात की नहीं है कि इट्स इंक्लूडेड और नॉट। यूजली बच्चे जो है उनको उनको कन्विंस करना बहुत आसान होता है। मैं कॉन्फिडेंटली आपको कहता हूँ कि भाई दिस इज नॉट इंक्लूडेड। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये इंक्लूडेड है बिकॉज उन्होंने कोई बात नहीं की, अगर नहीं की तो इसका मतलब ये इंक्लूडेड है, ठीक है जी। सो अगर इन केस आगे के दिस इज नॉट इंक्लूडेड आप लोग मुझे भी बता दीजिएगा प्रूफ के साथ, और अगर इन द फ्यूचर ये चीज़ें क्लियर हुई तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। सो उसके बाद आता है जी 9.3 विच इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड, ये पूरे का पूरा आ रहा है। देन वी हैव इम्पॉर्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड एंड देन चैप्टर इज ओवर। अगेन 9.3 आ गई टेस्ट योर सेल्फ में भी। देखें बात ये है इनके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन, जब आपने पीछे सारा चीज़ें समझ ली हैं आपको आ गई है तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन करके आप अपनी नॉलेज को खुद ब खुद ही टेस्ट कर रहे होते हैं। सो दैट इज़ वाई ये चीज़ें इंक्लूड हो ना हो डजंट मैटर, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। तो फिर आप लोगों ने क्या पढ़ा है ये सारा, ये जो पीछे था ये पूरा आपने क्या पढ़ा है अगर आप इसका एक क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन उसका आंसर नहीं कर सकते। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, आपकी क्रिएटिव राइटिंग है उसको इम्प्रूव करते हैं। सो या अब यहाँ पर केमिस्ट्री की अगर बात की जाए ना, ये सारे टॉपिक्स आगे इंक्लूड हो गए। केमिस्ट्री में उन्होंने आपको रिलीफ दिया तो एक्सरसाइज में दिया, फिजिक्स में एक्सरसाइज इट डजेंट मैटर दैट मच बिकॉज यू एक्सरसाइज इतनी मुश्किल नहीं होती है, केमिस्ट्री में एक्सरसाइज इज अ रियल डील। सो यहाँ पर जान बचाना आसान नहीं होता। सो एमसीक्यूज उसने देखें एग्जाम्पल्स की, अगेन उसने किसी एग्जाम्पल की बात नहीं की, उसने किसी प्रॉब्लम की बात नहीं की, प्रैक्टिस प्रॉब्लम की बात नहीं की, कोई उसने बात नहीं की है। फिजिक्स में वो स्पेसिफिकली एग्जाम्पल्स की बात कर रहा है तो जी उसने उसने कह दिया मिनी एक्सरसाइज नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा। तो इसलिए माइंड में ये रखिएगा जब उसने नहीं कहा तो अब अपने आप से रिज्यूम करके ना बैठ जाइएगा या टीचर पे बिलीव करके ना बैठ जाइएगा। सो देन वी हैव एक्सरसाइज एमसीक्यूज, उसने पहले 10 एमसीक्यूज दिए हुए हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, यहाँ पर आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिल रहा है और इधर नीचे यू नो इन दोनों चीज़ों में मज़े ही मज़े आ गए। सो इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स से बच्चे भागते हैं डरते हैं, यू नो 14 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और पहले 4 उन्होंने सिर्फ आपको पकड़ा दिए, बाकी सारे जो हैं जी वो क्या आ गए डिफिकल्ट वन गए। सेम चीज़ यहाँ पर होगी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में, 3, 4, 6, 8 आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 गया, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 7 गया और या अब न्यूमेरिकल्स की इसने बात नहीं की है। अच्छा जी, सो बिकॉज जो मेरी मैंने पंजाब की साइट से मैंने सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड की भी है, सो इसलिए जो है ये सारी कुछ कुछ चीज़ें जो होंगी वो आगे भी चल सकती है। आपने ये भी माइंड में रखना है कि आप ये अभी हम फेडरल बोर्ड की बात कर रहे हैं और आपकी जो बुक्स हैं वो लेटेस्ट एडिशन की हैं या नहीं है, अगर वो लेटेस्ट एडिशन की ना हुई तो उसमें क्वेश्चन की नंबरिंग आगे पीछे हुई तो आपके लिए इशू होगा। अगर आपके पास पुराना एडिशन भी है यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, आप अपने किसी क्लास फेलो की बुक से देख के आप मार्किंग कर सकते हैं। देन वी हैव चैप्टर नंबर 10। सो चैप्टर नंबर 10 इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसको हम जल्दी से ओपन करते हैं। सो अगर मैं इसको यहाँ पर ओपन कर लूँ इस फॉर्म में, मैं इसको यहाँ पर ओपन करता हूँ,
चैप्टर नंबर 10 इज एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। सो उसने क्या कहा है हमें, उसने क्या जी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस आ गया, अर्हेनियस आ गया जी, लोरी एंड ब्रोंसटेड लोरी आ गया, लुईस कॉन्सेप्ट आ गया, पीएच स्केल, सॉल्ट्स यूजेस, ये सारे टॉपिक्स उसने हमें दे दिए। अब ये करेंगे अपने बुक खोलेंगे इन टॉपिक्स को देखेंगे। सबसे पहले क्या आ गया जी, एसिड्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इट्स इंक्लूडेड। उसके बाद अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इज इंक्लूडेड एज वेल। देन वी हैव अर्हेनियस, देखें सिर्फ उसने अर्हेनियस की बात की, सो उसका मतलब ये सारी चीजें लिमिटेशंस ऑफ अर्हेनियस कॉन्सेप्ट भी इंक्लूडेड है। देन वी हैव लोरी ब्रोंस्टेड ब्रोंस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड। ठीक है जी, ये भी आ गया और इसके सारे जो चीज़ें आगे आएंगी ये पूरे का पूरा आपका इंक्लूडेड है। अच्छा जी, प्रॉब्लम 10.1 प्रॉब्लम्स के बारे में उसने बिल्कुल भी कोई उसने नहीं मेंशन किया कि भाई जो चैप्टर के अंदर की प्रॉब्लम्स हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। तो इसलिए माइंड में रखिएगा कि भाई इन प्रॉब्लम्स ये इंक्लूडेड है, अनलेस कोई नोटिफिकेशन आता है कि ये प्रॉब्लम्स इंक्लूडेड नहीं है, जब बोर्ड के बिहाफ पे कोई कंफर्म करता है। ठीक है जी, सो लुईस concept of acids and bases are also included. Then we have pH scale, so Lewis acid, Lewis bases are also included. ठीक है, अब ये ना कहते रहिएगा कि भाई यहाँ तक ही सिर्फ आएगा, Lewis acids नहीं आ रहा, ये Lewis acids भी है। So ये सारी चीज़ें अगेन मैंने पहले कहा है कि भाई जब आपने पीछे सारा पढ़ लिया, सो इट डजेंट मैटर कि टेस्ट 1.1 के जो दीज आर टेस्ट योर सेल्फ। ठीक है जी, टेस्ट योर सेल्फ, जब आपने पढ़ लिया तो आपको ये क्वेश्चन के आंसर्स करने आने चाहिए। ठीक है, सो ये चीजें, अब जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स है, आई डोंट थिंक दिस इज इंक्लूडेड, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, मुझे जरा इसको इस फॉर्म में ओपन करने दीजिए। कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड आ गया ना, ठीक है, सो इसमें आ गया 10.1.3 लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, देन वी हैव जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है जहां तक मेरा ख्याल है, बिकॉज इसने यहाँ पर मैंशन नहीं किया, अगर वो होता है तो ये स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन करता। सो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेंशन इज एसिड्स एंड इसी के इनके बेसिस, दीज आर नॉट इंक्लूडेड, यूजेस ऑफ एसिड, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस नॉट इंक्लूडेड। देन स्ट्रेट अवे ये जो प्रेसिपिटेशन ये सारी चीज़ें आ रही थी, यूजेस, स्टोमिक एसिडिटी, ये सब नहीं, हालांकि इस पर से क्वेश्चन आता है, यहाँ पर होता है आई थिंक या स्टोमक एसिडिटी के लिए आप क्या चीज़ यूज करते हैं, ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आता रहता है। सो बट इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ने में कोई हेल्प नहीं है। सो पीएच स्केल जो है दिस इज इंक्लूडेड, फुल टॉपिक, सारी डेरिवेशन आएगी, सब चीजें आएंगी, यूजेस ऑफ पीएच आ गया, एंड देन वी हैव इंडिकेटर्स व्हिच इज आई डोंट थिंक इट्स इंक्लूडेड, या सो इंडिकेटर्स इज आल्सो नॉट इंक्लूडेड, उसने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। इंडिकेटर के बाद आ सकता है, आ जाता है अगर इंडिकेटर, अगेन आई विल से कि आपने इसको रीड लाजमी करना है, बिकॉज यहाँ पर पी एच मीटर दोबारा पी एच जब इंडिकेटर की बात करता है सो पी एच की बात भी हो रही है, तो उसने कहा है कि पी एच जो है जी वो पी एच स्केल, पी एच स्केल, सो पी एच स्केल वो भी इंक्लूडेड है। सो 10.2 जो है वो पी एच स्केल है, देन 10.2.1 जो है वो इंडिकेटर है। सो ये बात आ गई, अब ये मेजरिंग पी एच ऑफ सोल्यूशन ये भी इसके अंदर आ रहा है। अब मैं कॉन्फिडेंस के जरिए आपको कह सकता हूँ, अगेन आई कैन बी यू नो रॉन्ग, सो यहाँ पर अब आपके ऊपर अपना डिपेंड करता है कि भाई थोड़ा अपना माइंड यूज कर सकते कि नहीं कैसे। देन वी हैव 10.3 विच इज सॉल्ट, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट वेदर, मैं कॉन्फिडेंटली आपको कह सकता हूँ कि भाई दीज आर नॉट इंक्लूडेड, बट ये जो इंडिकेटर्स वाला है ना, बिकॉज इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पी एच की बात हो रही है, पी एच ऑफ सोल्यूशन, पी एच मीटर, सो ये इतनी कोई चीज़ भी नहीं है। सो आई विल सजेस्ट यू गाइस कि भाई ये कैलकुलेट करना, ये चीज़ें ज़रा देख लीजिएगा। सॉल्ट्स पूरे का पूरा इंक्लूड हो गया, पूरे का पूरा इंक्लूड, डबल सॉल्ट्स, यूजेज ऑफ सॉल्ट्स ये भी आ रहा है। सो यूजेज ऑफ सॉल्ट्स यहाँ पर उसने अगर लिखा हुआ है, या सो यूजेज ऑफ सॉल्ट उसने अलग से मैंशन किया हुआ है, देखें सॉल्ट है, सॉल्ट का सब टॉपिक है यूजेज ऑफ सॉल्ट, उसने मैंशन किया हुआ, पी एच स्केल इसका सब टॉपिक है इंडिकेटर, इसने मैंशन नहीं किया हुआ, मोस्ट प्रोबेबली वो नॉट इंक्लूडेड, आई थिंक 80% चांस है कि नॉट इंक्लूडेड है, 20% चांस है कि भाई मैं गलत हो सकता हूँ। सो आई सजेस्ट के इसमें देखिएगा अगर कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट होगी, ये सारे का सारा इंक्लूडेड है।
या सो दैट इज ऑल। अब अगेन उन्होंने आपको रिलीफ कहाँ पर दिया है, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में दिया, बट प्रॉब्लम्स का उन्होंने डिस्कस नहीं किया जो चैप्टर प्रॉब्लम्स है। सो जो चैप्टर के अंदर की प्रॉब्लम्स है, एमसीक्यूज पहले 10 दे दिए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 1 उड़ा दिया पहले 5, उसके बाद उसके अलावा 5 दे दिए, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये सारी चीज़ें दे दी। सो आप इसको देख लीजिएगा। देन वी हैव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लोग आई डोंट नो क्यों इतने परेशान होते हैं, इतने डरते हैं, मुझे तो काफ़ी काफ़ी यू नो ये इंटरेस्टिंग लगता है अगर आप इसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ें। सो परेशान होने की जरूरत नहीं है। देन वी हैव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिकल डाइवर्सिटी आ गया। सो पहले ज़रा देख लें इसमें क्या आते हैं। केमिकल कंपाउंड है सो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स आ गए, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि उसने मेंशन नहीं किया, डाइवर्सिटी की बात की है। अगर मैं इसको दोबारा से ओपन करूं, देखें सो ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसको यहां पर इस पूरे चैप्टर को लेट्स ओपन दिस चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इंट्रोडक्शन आ रहा है जो कि इंक्लूडेड नहीं है, बट इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे तो आपको समझ कैसे आएगी। देन वी हैव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद ये आगे जी मॉलिकुलर फार्मूला देखें, ये इंक्लूडेड है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ही आ रहा है, यू नो देखें। सो 11.1 उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये सब बीच में आ रहा है ये भी। अब ये क्लासिफिकेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा, लेट्स सी। सो देन वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वहाँ पे नहीं डाला, सो मोस्ट प्रोबेबली इट्स नॉट इंक्लूडेड। अगेन मेरी बातें पत्थर में लकीर नहीं है, आई कैन बी रॉन्ग। सो इसी तरीके से आपके टीचर, आपके अकेडमी टीचर्स भी रॉन्ग हो सकते हैं। सो डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इट इज इंक्लूडेड बिकॉज उसने वहाँ पे स्पेसिफिकली वहाँ पे मेंशन किया। सो कैटिनेशन एंड आइसोमेरिज्म दिस इज ऑल इंक्लूडेड, ठीक है जी। डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन यहाँ पर नहीं दिखा, सो दैट्स मोस्ट प्रोबेबली नॉट इंक्लूडेड। देन वी हैव जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज इंक्लूडेड। देन सो इसमें ये सारी चीज़ें आ गई, ऑरिजन्स वगैरह, सॉलिबिलिटी उसकी सारी आ गई, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यू नो ये सारा आ गया, सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देखिए इसने यहाँ पर लिख दिया है ये सोर्सेज एंड यूजेज। देन वी हैव कंडेंस एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला, अब देखते हैं जो कंडेंस एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, नेमिंग अल्केन। अब ये आ रहा है किसके अंदर, क्लासिफिकेशन में, आई थिंक वी हैव टू गो बैक। सो क्लासिफिकेशन में आ रहे थे जी, सो स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें आ गया, कंडेंस फार्मूला आ गया जो कि पहले से उसी में था, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले में था। और क्या था इसमें जरा हम लोग देख लें, सो वी हैव कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी हैं, नेमिंग उनकी कैसे करनी है, नेमिंग का हमने हमने देखा है कि नेमिंग के लिए ये होता है सारा। सो नेमिंग आ गया, उसके बाद आ गया जी यू नो अल्केन्स एंड अल्काइन्स आ जाएंगे, ज़रा उसको देखते हैं हम लोग ये सॉरी। Alkanes and alkyl hydrides, ये hydrocarbons की, I think ये hydrocarbons की होती है। So then we have alkane and alkyl radical, ये सारे हैं। अच्छा, so वो जो coal था उसके बारे में यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। So naming दिया हुआ, sources दिया हुआ, sources and uses of organic compounds, let's look at that. So are these sources of organic compounds? Sources of organic compounds, so ये included है ये सारा, ठीक है जी। कोल सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ गए, लेट्स से इसके यूजेज कहाँ आ रहे हैं, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऑल ऑफ दिस इज इंक्लूडेड। देन वी हैव यूजेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इट इज आल्सो इंक्लूडेड। सेंसेस इन लेबोरेटरी इज आल्सो इंक्लूडेड, अल्काइल हैलाइड इज आल्सो इंक्लूडेड, ये सब कुछ इंक्लूड है। सो आ गया अब नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऊपर था टॉपिक, वो नीचे इसने मेंशन किया है, वो भी इंक्लूडेड है, मैंने ऊपर उसको क्रॉस लगाया था सारे को, वो सारे के सारे से यहाँ पर लिख के दे दिया, ठीक है, जिसका मतलब है कि वो इंक्लूडेड है। देन वी हैव फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर आ गया, ठीक है जी। सो 11.2 था वो टॉपिक,
फंक्शनल ग्रुप इज ऑल्सो इंक्लूडेड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑल्सो इंक्लूडेड, जिसमें वो ओपन चेन्स वगैरह की बात हो रही थी सारी. देन वी हैव फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग सी एन एच, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये सारे आगे सी वाले आगे, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आगे. एक सेकेंड. सो अब यहाँ पर मैं ज़रा इधर अगर मैं ओपन कर सकूँ, रेज इरेजर. लेट्स गो बैक. फंक्शनल ग्रुप में उसने कहा है कि जी सी एन और एच वाले फंक्शनल ग्रुप आ गए. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सी एन और एच वाले आ गए. सो कंटेनिंग सी, सी होता है कार्बन, एन और एच, एच यहाँ पर आ जाएगा. अब अगर मैं इसको हाईलाइटर को ओपन करूँ, सो अल्कोहलिक का देखें ओ एच होता है, ईथर का ये होता है, ईथर का कहाँ पर है सी, सी ओ सी होता है, इसका होता है ये सारा कीटोनिक का ये होता है. सो आई एम नॉट श्योर ये इंक्लूडेड है कार्बन, ये इंक्लूडेड है, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज उसने मेंशन किया स्पेसिफिकली कि यू नो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वो आ रहे हैं. आई डोंट थिंक, बट अगर इनको निकाल दिया है तो फिर तो बहुत आसानी होगी. लेट्स लुक एट इट इन डिटेल. ज़रा हम नीचे अगर जाएं, सो ये आप देख रहे हैं जी प्राइमरी. सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स की कोई बात नहीं की हुई. फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग सी एन एंड एच आ गया, और उसके अलावा आगे जी ग्रुप कंटेनिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आ गया. सो ये सारी चीज़ें थी. टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है, उसने कहीं मेंशन नहीं किया है. लेट मी सी, उसने कहीं अगर मेंशन किया है और मैंने मिस कर दिया हो, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ. सो देर इज़ नो टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स. ओके, सो फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो रहा है जी यहाँ से. पहले फंक्शनल ग्रुप के बाद उसमें भी उसने जब फंक्शनल ग्रुप की बात किया कि भाई उसने क्या है कि सिर्फ मैंने कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप्स को स्टडी करना है. आई कैन बी रॉन्ग. सो एक सेकेंड, इसमें ज़रा मैं हाईलाइटर अपना पिक कर लूँ. सो ये जो है ये इंक्लूड है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वाला. ठीक है, सो अल्काइल हेलाइड्स जो होते हैं वो भी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ये पूरा इंक्लूडेड है. ठीक है जी, 11th पॉइंट ये इंक्लूडेड है. इससे ऊपर वाला जो है जी इट्स नॉट इंक्लूडेड. अल्कोहल्स, कीटोन्स, दीज आर नॉट इंक्लूडेड. एंड देन वी हैव फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन्स. जहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन्स की बात की जा रही है, सो दैट्स ऑल्सो एक्सक्लूडेड बिकॉज वहाँ पर उसने मैंशन नहीं किया, बस यहाँ पर आ गया. एंड देन वी हैव टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स जो कि बायस टेस्ट है, ये सारा एक्सक्लूडेड हो गया. टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप, ये सब फैलिंग सॉल्यूशंस, ये सब एक्सक्लूडेड हो गया. ठीक है जी, सो आई होप इट्स क्लियर. अब अगेन आपको रिलीफ उसने इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा दे दिया. पीछे ये जो बायस टेस्ट वगैरह थे फैलिंग सॉल्यूशंस से, ये काफ़ी मुश्किल थे होते थे बच्चों के लिए. सो 1-5 आ रहे हैं सिर्फ, और फिर ये सारी चीज़ें आ रही हैं. ये आप काइंडली अपने लेटेस्ट एडिशन की बुक से देख लीजिएगा. एंड देन वी हैव हाइड्रोकार्बन्स. सो हाइड्रोकार्बन्स में लेट मी ओपन दिस चैप्टर इन फ्रंट ऑफ यू. हाइड्रोकार्बन्स में उसने हमें दे दिया है अगेन राइट अवे हाइड्रोकार्बन टाइप्स, अल्केन, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन्स. सो वी हैव इंट्रोडक्शन नहीं आ रहा, बट अगेन इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ेंगे तो फिर समझ गया कि हाइड्रोकार्बन्स आ रहा है, इट्स उसकी टाइप्स भी आ रही हैं, ये भी इंक्लूडेड है जी. ठीक है, सो ओपन चेन आ गई, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ये सारे आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ ओपन चेन आ रहे हैं. ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और उनकी सारी जो भी टाइप्स आ रही हैं ये सब इंक्लूडेड है. ऑल ऑफ दिस इज इंक्लूडेड. ठीक है जी, अब अल्केन्स की बात आ गई, अल्केन्स भी आ गया, सोर्सेज ऑफ अल्केन्स भी आ गया. नो, सो अल्केन, अल्केन के बाद प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, सोर्सेज ऑफ अल्केन्स निकाल देता हूँ.
20% चांस है कि आ जाए बीच में, बिकॉज उसने सोर्सेज ऑफ हरिकेन्स मेंशन नहीं किया। अगर मैं इसको अलग से यहाँ पर ओपन करूँ तो वो ज़्यादा थोड़ी सी ना अच्छी पिक्चर बन जाती है, इसलिए मैं इसको अलग से ओपन करता हूँ। सो हाइड्रोकार्बन है ये, अल्केन्स देखें, अल्केन्स में प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, केमिकल केमिकल रिएक्शन का जो मेन टॉपिक्स होते हैं, जो सोर्स ऑफ अल्केन्स उसने नहीं डाला। अगर ये मेन टॉपिक नहीं है तो फिर ये इंक्लूडेड है, ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली 50-50 चांस है। आई वुड से कि भाई इसमें से वो आ सकता है, यू नो, मीथेन फॉर्म नेचुरल गैस, यहाँ से MCQ वगैरह आ जाता है, या फिर इस इन चीज़ों से ना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बन सकता है। यू शुड रीड दिस, इसको याद करने की जरूरत नहीं होती है। सो देन वी हैव प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स आ गया, जिसमें हाइड्रोजिनेशन ये सब आ जाएगा। सो प्रिपरेशन, लेट मी जस्ट ओपन इट। सो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स आ गया, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स जिसमें सारी आ जाएगी, हाइड्रोजिनेशन नंबर वन है जी, हाइड्रोजिनेशन के थ्रू रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स आ गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स ये भी आ गई सारी। उसके बाद केमिकल रिएक्शन जिसके, लेट्स सी वो इंक्लूड है कि नहीं है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स आ गए, ठीक है। सो लेट मी ओपन दिस। Properties of alkanes are preparation of alkanes, properties of alkanes are, now chemical reactions, those I don't think they are included. Let me confirm it. Physical properties of alkanes, असल में उसने properties of alkanes की बात की है, एक बात यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगा। So he has just said properties of alkanes, that's it. Reactions के लिए उसने बात नहीं की। अब इसने properties में भी specifically ये नहीं कहा कि भाई physical properties और chemical properties, ये देखेंगे क्या लिखा हुआ है, physical properties of प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। सो ये जो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, यूजली ये केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़े होते हैं। सो केमिकल रिएक्शन मोस्ट प्रोबेबली नॉट इंक्लूडेड है, इनकी प्रिपरेशन उसने लेकिन डाल दी है, जो प्रिपरेशन वाले सारे रिएक्शन जो मेजर रिएक्शन हैं वो सारे के सारे आ रहे हैं। एक सेकेंड, सो अल्केन्स आगे, या सो ये जो प्रिपरेशन उसने दी हुई है ये इंक्लूडेड है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये केमिकल रिएक्शन ये इंक्लूडेड नहीं है, बट मुझे पता है कि ये जो क्वेश्चन है, ये नीचे जो हाइड्रोजिनेशन वाला है, ये एग्ज़ाम में यूजली आता है, आसान होता है इसको करना। तो नाउ ये सारी देखने वाली चीज़ें, सो यूजेज ऑफ, इसके यूजेज भी नहीं आ रहे। सो यूजेज ऑफ मीथेन में, इसमें यहाँ पर ये क्लोरोफॉर्म वाला और ये इनमें से क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स का, कंबेशन वाला भी ये भी क्वेश्चन आ जाता है। सो यू नो काफ़ी मैंने कहा था पहले एम्बिग्विटी है, सो ये चीज़ें नहीं आ रही हैं। अभी इन्होंने सिलेबस में इनको मेंशन नहीं किया, यूजेज ऑफ अल्केन्स वगैरह में और ये सारा कुछ। बट आई थिंक ये जब उसने प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स की बात की, यहाँ पर यही एम्बिग्विटी आ जाती है। अब ये टीचर की अपनी इंट्यूशन होगी, उसी की बेस के ऊपर चल रहा होगा, अगर आपको कुछ कह रहा होता है कि वो कह दे कि नहीं नहीं ये आ रहा है या ये नहीं आ रहा है, तो यू नो आपने खुद देखना है कि भाई किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे ट्रस्ट नहीं करना, खुद आप लोग, बिकॉज आप लोग जब एग्जाम में बैठे होंगे, कोई किसी ने कहा हो कि भाई ये आ रहा है और वो ना आ रहा, वो ना आया हो, और जिसने कहा हो कि नहीं आएगा वो आया हो, तो फिर आप बैठ के यू नो परेशान बैठे हो। तो देन वी हैव अल्कीन्स, अल्कीन्स की जब हम बात करते हैं, सो अल्कीन आगे, अगेन प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन्स की बात आ जाती है, यूजेस की बात नहीं आ रही। सो अल्कीन्स आ गई, अक्रेंस कहाँ होती है, नॉट इंक्लूडेड, उसने बात नहीं की। देन वी हैव प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, बट यू नो ये इसका सब टॉपिक है या नहीं है, हमें डिटेल में बात करनी पड़ेगी। सो इसकी बेस के बगैर अगर कोई कहे कि भाई ये जो अक्रेंस है ये इसी टॉपिक का हिस्सा है, उसकी अपनी ट्यूशन हो उस टीचर की, तो फिर ये होगी अल्कीन्स की। अगर ये टीचर कहे कि भाई नहीं ये अलग से टॉपिक है, तो फिर ये इंक्लूडेड नहीं है। सो देन वी हैव, यू नो बिकॉज यहाँ पर लिखे हुआ 12.2, देन वी हैव 12.2.1, सो इसका मतलब है ये तो ये मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज इसको LRS उसने नंबर नहीं दिया, ये मोस्ट प्रोबेबली ये इसी का हिस्सा है। सो देन वी हैव प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, प्रिपरेशन हमने कहा था कि जी बिल्कुल इंक्लूडेड है। सो यू नो 12.2.1.1, सो ये दो जो है, ये दो जो नीचे वाले हैं, ये दो इसके सब टॉपिक्स हैं, ठीक है जी। एंड देन वी हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, असल में उन्होंने जो टॉपिक्स की नंबरिंग की है ना, वहाँ से काम थोड़ा सा अजीबोगरीब हो गया, जिसकी वजह से
ये सारी एम्बिग्यूटी आ रही है, जो मैंने सिलेबस बनाया है, जो हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया, वो इसके साथ मैच इस वजह से नहीं कर रहा, बिकॉज नंबरिंग ही बुक की वो सही तरीके से नहीं की गई. सो अगेन फिजिकल प्रॉपर्टीज उसने कह दिया इंक्लूडेड है, केमिकल रिएक्शंस, अगर केमिकल रिएक्शंस को आप केमिकल प्रॉपर्टीज कंसिडर करते हैं देन इट इज़ इंक्लूडेड, इफ यू डोंट कंसिडर इट सो इट्स नॉट इंक्लूडेड. अगेन ये जो क्वेश्चन है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्केन, ये एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, आसान क्वेश्चन होता है करने के लिए. सो अब ये आप पर डिपेंड करता है यूजेज ऑफ, फिर अगेन केमिकल प्रॉपर्टीज का अगर ये हिस्सा है तो फिर इट्स नॉट इंक्लूडेड, वरना ये केमिकल प्रॉपर्टीज अगर प्रॉपर्टीज का हिस्सा है तो वो इंक्लूडेड है. देखिए उन्होंने काफ़ी एम्बिग्युटी डाल दी है, सो मोस्ट प्रोबेबली ये जो ये सारे जो केमिकल रिएक्शन है ये इंक्लूडेड है, और बाद में वो कह देगा कि भाई बिकॉज हमने तो फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, हमने तो प्रॉपर्टीज लिखा हुआ सिर्फ, और यहाँ से कह के फिर आप यू नो यू कॉन्ट प्रोटेस्ट अबाउट इट. अगेन एल्केन्स आ गया, एल्केन्स की अक्रिंग प्रिपरेशन में सब आ रहा है, देन वी हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गई, ठीक है. नाउ अब यहाँ पर आके यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम उसने यहाँ पर अगेन मैंने कहा देखें सारी प्रॉब्लम जो स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कि भाई मैं अगर कोई बात आपसे कर रहा हूँ वो मैं एम्बिग्वेशन, वो मैं अपनी इंट्यूशन के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है. सो यहाँ पर देखें केमिकल रिएक्शंस के आगे उसने नंबर लगा दिया और इसको अलग से टॉपिक बना दिया 12.3.2, और फिजिक्स की हेडिंग डिफरेंट तरीके से है, यहाँ पर उसकी हेडिंग डिफरेंट तरीके से है. सो अगर मैं पीछे वाले को देखूँ, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखूं, सो वहां पर उसने यहां पर भी इसने केमिकल रिएक्शंस को अलग से उसने दे दिया है, टॉपिक दे दिया. सो मोस्ट प्रोबेबली ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं दीज आर, इसकी बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि भाई दीज आर नॉट इंक्लूडेड. आई अपोलोजाइज. सो अब मुझे चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो चुकी हैं बिकॉज जो मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ. सो ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं इस चैप्टर में दीज आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग से टॉपिक होता है, वो उसका सब नहीं बन रहा. सो या सो केमिकल रिएक्शंस आर नॉट इंक्लूडेड, यूजेस आर आल्सो नॉट इंक्लूडेड, अल्केन्स के भी, अल्कीन्स के भी, अल्काइन्स के भी मैंने आपके सामने प्रूव किया कि किस भी बेस पर दीज आर नॉट इंक्लूडेड. सो अगेन टेस्ट योर सेल्फ, इट डजेंट मैटर इंक्लूडेड है कि नहीं, अगर आपने पीछे वाला सारा पढ़ा है और यू नो वो आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए. सो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपसे ये आई विल सजेस्ट यू गाइस के आप जो है वो एंड ऑफ एक्सरसाइज, एंड ऑफ चैप्टर जो क्वेश्चन हैं या एक्सरसाइज हैं वो पहले करेंगे, उसमें जो उन्होंने दी साइन आपको नंबर किए हुए उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा. उसके बाद आपके पास टाइम हो देन यू कैन यू नो गो बैक टू दिस. अब देखें ये सारा ये दिस इज नॉट इंक्लूडेड, दिस इज साइंस टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड सोसाइटी. सो ये इंक्लूडेड नहीं है, ये सारी चीज़ें यूजेस भी इंक्लूडेड इसमें नहीं है. अच्छा जी, सो उसके बाद स्किल्स की बात आ गई, स्किल्स आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, वैसे भी इनमें से नहीं आता. सो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की उसने आपको दे दिए अगेन 5 क्वेश्चन एंड देन लॉन्ग टर्म क्वेश्चन. देन वी गो टू बायोकेमिस्ट्री एंड देन वी हैव यू नो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के 2 टॉपिक्स आ जाएंगे. सो बायोकेमिस्ट्री को ओपन करते हैं, लेट्स ओपन चैप्टर नंबर 13. यू नो ये केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है, इसको पढ़ने में असल में टाइम जो है वो काफ़ी लग जाता है. सो डैट इज़ वाई ये सारा हो रहा है. पहले भी इस चैप्टर को ज़रा हम इसको जल्दी से इसको हम देखेंगे कितने सेक्शंस हैं. सो वी हैव बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स के कितने हैं जी, आगे आप ये देखेंगे सारी चीज़ें. होपफुली इसने एक्सप्लेन किया होगा जी कार्बोहाइड्रेट्स की बात की है एंड इट्स टाइप, सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सो कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट्स टाइप, सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आ गया. ये अगर इसकी टाइप्स हैं तो होगी, मैं इसको आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि इसकी टाइप्स में ही इंक्लूडेड होगा मोस्ट प्रोबेबली. सो वी हैव बायोकेमिस्ट्री है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट्स टाइप्स, टाइप्स में आ गए, ये सारी टाइप्स आ गई, 4 टाइप्स आ गई. सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो इंक्लूडेड, ये सारे आ गए, ठीक है जी. सो देन वी हैव प्रोटीन, बट यहाँ पर प्रोटीन में इसने न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए. सो अमीनो एसिड्स नॉट इंक्लूडेड,
इसने न्यूक्लिक एसिड दिया है, यू नो, सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ प्रोटीन्स नॉट इंक्लूडेड, अमाइनो एसिड्स का जो ऊपर वाला जो इसका पोर्शन है वो भी इंक्लूडेड नहीं है। अगले अगर मैं पेज पर आऊँ तो लिपिड्स आ गए, लिपिड्स आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। अगर हम इसको ज़रा से मैं आपके सामने ऐसे ओपन करूँ ताकि आपको हो अंदाज़ा हो, देखें प्रोटीन्स का पूरा टॉपिक नहीं आया, ठीक है, लिपिड्स का पूरा टॉपिक नहीं है, ये दोनों 13.2 13.3 नहीं है। देन वी हैव 13.4 जिसमें न्यूक्लिक एसिड्स है, और देन वी हैव विटामिंस, विटामिन में भी आगे न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लिक एसिड में हम लोगों ने पढ़ना है ये आरएनए डीएनए ये दोनों के दोनों आएंगे। एंड देन वी हैव विटामिंस, विटामिंस में सिर्फ और सिर्फ आई थिंक टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिंस जो है वो एक्सक्लूड होगी। मैं आपके सामने ओपन करके उन पर क्रॉस भी लगा दूँ ताकि ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये जिससे रिलेटेड है वो इंक्लूड नहीं है। सो न्यूक्लिक एसिड डीएनए इज इंक्लूडेड, and then we have RNA which is also included, vitamins is also included, types of vitamins is included, and then we have importance of vitamins which is excluded. So importance of vitamins jo hai that's straight away isko cross kar diya, theek hai. So commercial uses of enzymes bhi gaya, again skills bhi gaya, but aapne read karna hai in cheezon ko. So uske baad let's see exercise में क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आगे। देन वी हैव इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को भी मैं ज़रा आपके सामने यहाँ पर ओपन करता हूँ। आई एम सॉरी बार बार स्क्रीन आगे पीछे हो रही है। देन वी हैव जो जिस फॉर्म में मेरे पास ओपन है, सो इसमें इसका इस चैप्टर का नाम है एटमोसफेयर। देखें थोड़ी सी चीज़ें चेंज होती हैं, लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर देखें आ गया, तो कंपोजिशन ऑफ एटमोसफेयर चला गया, लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर में ये सारी चीज़ें थी, उसके बाद पोल्यूटेंट्स थे, पोल्यूटेंट्स में आगे टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स में आगे एयर पोल्यूशन वगैरह थी, सोर्स ऑफ पोल्यूशन वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इफेक्ट्स एंड सोर्सेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, एसिडिक रेन, ओजोन डिप्लीशन। अब मैं ज़रा इसको सॉफ्ट फॉर्म में ज़रा ओपन करके आपको दिखा देता हूँ चैप्टर नंबर 14 को। केमिस्ट्री का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से हमारी वीडियो भी लंबी होती जा रही है। आई होप यू गाइज आर नॉट गेटिंग बोर्ड, जस्ट मैं डिटेल में आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो जो है थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गया। सो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आ गई, और यहाँ पर टॉपिक का नाम है जी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर मेरा नहीं ख्याल कि इट्स द सेम थिंग एज लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन, सो दैट्स नॉट इंक्लूडेड, बट अगेन आपने पढ़ना लाजमी है इसको। देन वी हैव लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज़ इंक्लूडेड, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, आफ्टर दैट वी हैव एयर पोल्यूटेंट्स में, एयर पोल्यूटेंट्स हम पढ़ेंगे, सो ट्रोपोस्फेयर ये सारी चीज़ें हैं, स्ट्रेटोस्फेयर ये सब इंक्लूडेड है, बिकॉज दीज आर लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर। पोल्यूटेंट्स में हम लोगों ने जो पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स में, ये सारे आगे जी एयर पोल्यूटेंट्स आगे, ठीक है। सो एयर पोल्यूटेंट्स में हमने आगे पढ़ना है जी इफेक्ट्स एंड सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स में ये सब आ गया, टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स में भी ऑब्वियसली इसमें सारे ऑक्साइड्स की ही बात हो रही है, सो ये सब आ रहे हैं, ठीक है। सो देन ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग भी आई थिंक इट्स ऑल्सो इंक्लूडेड, यहाँ पर इसने लिखा हुआ ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है, उसके साथ उसने ग्रीन हाउस इफेक्ट भी दे दिया उसका नाम, सो वी हैव ग्लोबल वार्मिंग एज वेल, यू नो आई होप रटा नहीं लगाएंगे, इट्स ये जस्ट रीड करने वाले हैं टॉपिक्स। सो देन वी हैव इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन जो कि ग्लोबल वार्मिंग, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग दीज आर बोथ द सेम थिंग, ये सब आ रहा है। इफेक्ट्स ऑफ SO2 इनमें क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, इंटरेस्टिंग, सो ये सब आ गया। अच्छा उसके बाद आगे जी एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स जो कि पूरा आता जा रहा है बीच में, एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स आगे, उसके बाद आ जाएगी ओजोन डिप्लेशन एंड इट्स इफेक्ट। यू नो आजकल ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बहुत फोकस हो रहा है, और ये चीज़ भी ऐसी है बिकॉज आप लोगों ने यूज, आप लोग अगर खैर करिए आप लोग फ्यूचर में आप लोगों के लिए मसला होगा, हमारे लिए भी मसला होगा, सो जो इसलिए वो फ्यूचर जनरेशन को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा रहे हैं। सो ये चैप्टर जो है ये तकरीबन उसने सारा हमें उठा के दे दिया है, सो ये पूरे का पूरा आ रहा है इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन।
ठीक है, ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट्स, ये भी सारा आ गया। सो अगेन उसने आपको जो रिलीफ दिया है वो उसने आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में दिया है, जो आप उसको एंजॉय करें। देन वी हैव इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट टू, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर आएगा उसमें। सो लेट मी ओपन चैप्टर नंबर 15, या सो दिस इज चैप्टर नंबर 15 वाटर, वहाँ पर उसका नाम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री टू। मेरे पास जो सॉफ्ट कॉपी है ये असल में पुराने एडिशन की, आज तो आप देखेंगे एडिशन में इतना फर्क नहीं होता, चीज़ें तकरीबन सेम ही होती हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मोस्ट प्रोबेबली नहीं आ रहा। देन वी हैव, अगर मैं इसको यहाँ पर ओपन करके आपको दिखा दूँ तो अगेन ज़्यादा आसानी हो जाएगी, बिकॉज चीज़ आपके सामने पड़ी होती है सारी हम देख सकते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर नहीं है, वाटर एज सॉल्वेंट भी नहीं आ रहा होगा, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर आ रहा होगा। सो ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग हार्डनेस ऑफ वाटर, बस ये आ गया सर। सो अगर मैं इसको ओपन करूँ अपने पास, सो वाटर एज सॉल्वेंट भी नहीं आ रहा, इट्स नॉट इंक्लूडेड। देन वी हैव, ये सारा बिल्कुल भी नहीं आ रहा। सो यहाँ से स्टार्ट होगा सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर में टाइप्स ऑफ हार्डनेस आ जाएगा, यू नो, बिकॉज आपने वो टाइप्स ऑफ सॉफ्ट वाटर, टाइप्स ऑफ हार्ड वाटर, इनके जो टाइप्स हैं, उसके बाद रिमूविंग के जो तरीके हैं, ये दोनों आ रहे हैं। इट्स नॉट एज डिफिकल्ट एज दे सीम, यू नो, इंटरेस्टिंग भी हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ जो हैं ये नहीं आ रहे, ये टॉपिक ऐसे नहीं आ रहा इंक्लूड, बट कैंडी इसको रीड कर लीजिएगा। और जो है ना वाटर बॉर्न डिजीजेज जो हैं, अब सिर्फ वो आ जाती है, एक सेकेंड। सो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस भी नहीं है, डोमेस्टिक एफ्लुएंस, अगर ये वाटर बॉर्न डिजीजेज में आ रहा है, सो इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, ये वाटर बॉर्न डिजीज में आ गया। सो डायरिया, डायसेंट्री, सो कोलरा, बुकवर्म्स, ये सारी आ गई। प्रिवेंशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेज नहीं आएगा, या सो वाटर बॉर्न इफेक्शियस डिजीजेज, एक सेकेंड। सो या वाटर बॉर्न, बस बॉर्न डिजीजेज यहाँ पर देखें आप, यू नो, मिसप्रिंट है या इसमें मिस्टेक भी है। सो ये सारी चीज़ें हैं सिंपल सी। अच्छा, एक्सरसाइजेज हैं, देन अगेन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपको और इन्होंने रिलीफ दे दिया, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपको रिलीफ दिया है। एंड देन वी हैव होपफुली द लास्ट चैप्टर विच इज़ कॉल्ड केमिकल इंडस्ट्रीज। सो केमिकल इंडस्ट्रीज में अगर हम लोग देखें, केमिकल इंडस्ट्रीज इज चैप्टर नंबर 16, लेट मी ओपन इट्स, या सो हियर इज केमिकल इंडस्ट्रीज। सो केमिकल इंडस्ट्रीज को भी अगर मैं पहले ऐसे ओपन करूँ, सो केमिकल इंडस्ट्रीज में वी हैव, ये सारा चैप्टर है, बच्चों को यूजली मुश्किल लगता है और रट्टे लगाने बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें ना काफ़ी एफर्ट लगती है। केमिस्ट्री की एक ये बात है, केमिस्ट्री के बारे में इसमें एफर्ट फिजिक्स से ज़्यादा लग गया बिकॉज रट्टा सिस्टम क्या होता है। सो इंट्रोडक्शन इज नॉट इंक्लूडेड, वर्ड्स को ऑब्वियसली पढ़ेंगे तो समझ आएगा। स्ट्रेट अवे वी हैव बेसिक ऑफ मेटलॉजिकल ऑपरेशन, सॉल्विंग प्रोसेस आ गया, बेसिक ऑफ मेटलॉजिकल ऑपरेशन, सो मिनरल्स, ओर्स, गैंग, या इसको गैंग ही कुछ पढ़ते हैं, मेटलर्जी आ गई। सो ये सारी चीज़ें नहीं हैं। अच्छा जी, सो उसके बाद सॉल्विंग प्रोसेस आ रहा है डायरेक्टली मेट। अच्छा, सो अब यहाँ पर एक बात आ गई ना, उन्होंने दे दिया आपको बेसिक ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन। अब यहाँ पर क्या यहाँ पर एक मिस प्रिंट है, कॉमा आना था कि नहीं आना था। सो अब बेसिक ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन में जब उसने बात की है तो ये सब आ रही हैं, पहले मैं कह रहे थे कि ये नहीं आ रहे, बट आई वॉज, यू नो, आई वॉज मिस्टेकन। सो गैंग, ये मेटलर्जी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, पेपर में एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन अभी, शॉर्ट क्वेश्चन अभी, सो ये सारी चीज़ें आ गई हैं। बिकॉज ये क्या है, ये बेसिक्स ऑफ बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशन होते हैं ये सारे, मतलब रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, ये सारे बेसिक ऑपरेशन है, दीज आर ऑल इंक्लूडेड। Besmerization, again it comes in the exam.
refining purification of metal भी आ रहा है, and then we have solvays process. So solvays process भी included है इसकी, खास तौर पे flow chart ये वाला, वो भी इसने पकड़ा दिया आपको, उसकी फ्लो शीट आपको पकड़ा दी. देन वी हैव यूरिया एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम. सो वेयर इज एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वेंस प्रोसेस, आई डोंट थिंक इट्स इंक्लूडेड, बट फिर भी आप पढ़ लीजिएगा अगेन इसके, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे जाते रहते हैं, आप पढ़ेंगे आपको फायदा ही होगा. देन वी हैव यूरिया एंड इम्पोर्टेंस ऑफ, सो यूरिया आ गया, यूरिया की यहाँ पर इसने टॉपिक दिया हुआ, मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया जिन रॉ मटेरियल से बनता है, और इम्पोर्टेंस एंड स्टेटस ऑफ यूरिया भी आ जाएगा. और उसके बाद इसमें तो मिस्टेक है इस डॉक्यूमेंट में, सो पेट्रोलियम आएगा जिसमें हमने पढ़ना है ये वाला टॉपिक, ये है जी डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस. सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में ये दोनों टॉपिक्स आ रहे हैं, एक ये पूरे का पूरा और एक ये पूरे का पूरा जिसमें ये पूरा एक्सप्लेन हो रहा है, ठीक है जी. सो दैट इज ऑल, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये सारा. सो आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी. आई अंडरस्टैंड ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसके अंदर आपका टाइम एक्चुअली में ज़्यादा लग रहा होता है, और ये कॉम्प्लेक्स नहीं होता अगर आपको पढ़ने का तरीका आता है, इसी तरीके से एक्सप्लेन करने में भी आपको काफ़ी टाइम लगता है. सो पेपर में आपने टाइम मैनेजमेंट करनी होती है. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कॉन्टेक्ट अस टू आवर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज. अगर आप हमारी लाइव क्लासेस जो डेली होती हैं आप उनको अटेंड करना चाहते हैं, सो काइंडली हमारे व्हाट्सएप पे पर कॉन्टैक्ट करें. आप tuitionx.co लिख के हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर tuitionx लिखेंगे तो हमारा tuitionx.co या tuitionx.pk लिखेंगे तो हमारा पेज जो है वो ओपन हो जाएगा. I would be looking forward to hearing from you. हमने बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में भी वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, खासतौर पर फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में, क्लास 9th की भी, क्लास 10th की भी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कभी रिलीज़ नहीं हुआ. सो हम लोग रूमर्स के ऊपर नहीं चलते हैं, हम लोग जब एक्चुअल डॉक्यूमेंट हमारे सामने आएगा तो हम लोग उसकी भी वीडियोज़ अपलोड करेंगे. सो गुड लक फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस. टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़.